अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, जिसके दो पार्ट हमने पढ़ लिए थे, आज हम उसका थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। के बायोलॉजिकल नॉलेज से हम किस तरह काबिल हो चुके हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को महफूज रख सकें, उसकी बका रख सकें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमने जो तरक्की की है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है एनवायरनमेंट के एनवायरमेंटल सिचुएशंस पे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंडस्ट्रीज़ बिल्ड करना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, वहीं पे दूसरे लफ्ज़ों में हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी तबाही भी हुई है। किस हवाले से? कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका वेस्ट, उनकी जो ज़ायशुदा मादा है, इफ्लुएंट्स लिक्विड फॉर्म में जो मटेरियल इंडस्ट्रीज से निकलता है, वेस्ट मटेरियल सॉलिड लिक्विड या गैसेस फॉर्म में, वो मुसलसल इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट में भेज रही हैं। अब उस इफ्लुएंट और उस वेस्ट में क्या है? जहरीले मादे हैं, टॉक्सिक मटेरियल हैं, इवन कार्सिनोजेनिक कैंसर काज करने वाले मवाद हैं। तो ये आप स्लाइड में बच्चों देख सकते हो कि किस तरह से हमारी जो ग्रीन लैंड है और इधर से जो हमारी वर्ल्ड है उसकी तबाही हो रही है। तो ये आपको डिफरेंट स्लाइड्स पोल्यूशन के हवाले से, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन का वर्ड क्या मीन रख रहा है? कि एनवायरनमेंट को कॉन्टेमिनेट करना, कॉन्टेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट विद हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल, के अपने माहौल को नुकसान दे और फजूल केमिकल से आलूदा करना पोल्यूशन कहलाता है। तो ये डिफरेंट स्लाइड्स जिसमें आप देखिए गंदगी देख रहे हैं, एयर पोल्यूशन है, दोबारा से वाटर पोल्यूशन है एंड सो ऑन। तो इस स्लाइड में बच्चों आप देख सकते हो कि ऑटोमोबाइल, ये जो गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, बसें हैं, रेलगाड़ियां हैं, एंड टैनरीज और चमड़ा बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या पोल्यूट कर रही हैं, क्या कॉपरेट कर रही हैं पोल्यूशन में? पहले तो ये है कि हैवी मेटल्स का आपको यहाँ पे एक वर्ड नज़र आ रहा है, लेड है, ये LEAD लेड है, लेड और क्रोमियम, ये तो हैवी मेटल्स हैं। जो लेड है वो आप ऑटोमोबाइल से अपनी इन्वायरमेंट में भेज रहे हैं, और जो क्रोमियम है वो चमड़ा बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, टैनरीज हैं, वो क्रोमियम ऐड कर रही हैं, जो कि हैवॉक है, यानी तबाहकुन है किसके लिए? ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो ह्यूमन हेल्थ के लिए हैवी मेटल्स जो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, वो ऑटोमोबाइल्स और टैनरीज से जो हैं वो निकल रही हैं। तो ये आपको स्लाइड्स डिफरेंट, दोबारा से डिफरेंट पोल्यूशंस के हवाले से हैं। अब पाकिस्तान में पोल्यूशन का क्या सेटअप है? पाकिस्तान में तो ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, कौमी मसला है। हमारे जो रिवर्स हैं, हमारे दरिया, नहरें, वो पॉल्यूट हो चुकी हैं शहर के सीवेज से, और शहर में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उस वेस्ट से। अब अगर देखें आप पाकिस्तान में जो फ्रेश वाटर है, यानी ताज़ा पानी है, जिसमें रिवर आ जाते हैं, कैनाल, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इसमें जो लाइफ है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी तादाद कम हो चुकी है। जिसमें फिशेस आ जाती हैं, उन्होंने काफ़ी अफेक्ट लिया है इस पोल्यूशन का। तो हमें यहाँ पे प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है। ये आपको वाटर पोल्यूशन के हवाले से डिफरेंट स्लाइड्स हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन का क्या सेटअप है? जिस तरह से अभी मैंने बात की कि ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो एग्जॉस्ट खारिज करते हैं लेड को हवा के अंदर, तो इसका रेमेडी क्या होगा? कि हमें एक ऐसा पेट्रोल अपने ऑटोमोबाइल्स के इंजन में डालना होगा जो कि लेड को, लेड से फ्री हो, लेड को एयर में एग्जॉस्ट ना करे। तो ये एयर पोल्यूशन के हवाले से स्लाइड्स। अच्छा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या है? अलार्मिंग लेवल पे पहुंच गया है। इसमें कुछ बायो कंपोनेंट्स हैं वर्ल्ड के बायो कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के बायो कंपोनेंट्स क्या होंगे? जाहिर सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो जिस तरह से हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको लॉस पहुँच रहा है, यानी उस लाइफ को इस प्लानट पर इस पोल्यूशन की मदद की वजह से बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है लॉस। इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस की मज़ीद स्लाइड्स। वाटर पोल्यूशन, हम वाटर में किस तरह से अपने जो डेली के वेस्ट हैं, हम उनको कैसे इसमें पुट कर रहे हैं? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे कंट्रोल मुमकिन है
इसके लिए बायोलॉजी ने भी हमारी मदद की है कि पूरी दुनिया को इस मसले पे अटेंशन जो है वो दी है, इस प्रॉब्लम पे पूरी दुनिया की तवज्जो दिलाई है कि पोल्यूशन है और पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो बायोलॉजिस्ट अभी भी सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कोशा हैं। तो ये हमने अपनी अर्थ को सेफ करना है, पोल्यूशन को रोकना है। बायो रेमेडिएशन ये भी एक स्ट्रैटेजी है पोल्यूशन को कम करने के लिए। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, रेमेडिएशन जहर है, रेमेडी है रोकथाम है कि पोल्यूशन को आप कैसे रोकोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हुए। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एलजी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को या जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको रिमूव करें या डिग्रेड करें, तो ये टर्मिनोलॉजी क्या कहलाएगी, बायो रेमेडिएशन। आप जितने भी यहाँ पे एल्जीज हैं वो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, तो इस तरह से आपकी इन्वायरमेंट से हैवी मेटल जो है वो कम हो जाएगा। इस स्लाइड में जो आप देख सकते हो कि एक तरफ जो है अर्थ ल्यूटेड फॉर्म में है और तीन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, टॉप पे फंजाई है, लेफ्ट साइड पे प्लांट्स हैं और बॉटम पे आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ल्यूटेड बर्ड को क्लीन कर रहे हैं और यहाँ पर आप अर्थ को जो है पोल्यूशन फ्री देख रहे हो। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, बायो रेमेडिएशन की क्लियरेंस है। इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल को आपने किस तरह से ट्रीट करना है, उसके लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट आएगा, इस स्लाइड में देखें कि जो भी इंडस्ट्रीज से वेस्ट आ रहा है किस तरह से फिल्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो इस पानी को क्लियर करके दोबारा से जो है वो उसको पीने के काबिल, इस्तेमाल के काबिल बनाएंगे। तो ये हमारे पास था ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। ये बायोलॉजिस्ट ने अपने बायोलॉजिकल नॉलेज से ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हैं जिससे वेस्ट को क्लियर करके दोबारा रिवर में डाला जाता है। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, पहले देखें वाइल्ड लाइफ है क्या, ऐसी लाइफ जिस जो कि अंडर प्रोटेक्शन ऑफ मैन ना हो, यानी नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हों और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स हों, आप उनको वाइल्ड लाइफ कहेंगे। उसे आपने किस तरह से कंजर्व करना है, उस उनका इन्वायरमेंट, उनका हैबिटेट सेफ करके, पोल्यूशंस फ्री करके। कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि अब इस अर्थ से ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहलाएंगी प्लांट्स की और एनिमल्स की, जो हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से हमने उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया है, हमारी एक्टिविटीज़ हैं उस हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ से डिसअपीयर हो चुकी हैं, जिसमें डायनासोर हैं, टस्मेनियन वुल्फ्स वगैरह, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ आपको नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, ये भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट होने को हैं, नियर टू बी एक्सटिंक्ट, कि एक्सटिंक्ट होने को, जिसमें लायन, पांडा, चीता। बायोलॉजिस्ट ने बड़ी हार्ड वर्क करके इंडेंजर्ड स्पीशीज़ प्लांट्स की और एनिमल्स की लिस्ट तैयार की है जो कि जिनकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही और वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो उस लिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ किस्म के नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं और उसके अलावा गेम रिजर्व्स हैं जहाँ पे ऐसी स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन होगी जो कि इंडेंजर्ड है, मतलब जिनकी अभी नस्ल में कुछ मेंबर्स बाकी हैं और उनकी हिफाजत करने से वो एक्सटिंक्ट होने से बच जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है उनकी प्रोटेक्शन पे। तो ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जो इंडेंजर्ड हैं, ख़तरे में हैं। तो बच्चों आज हमारा लास्ट टॉपिक था, इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कम्प्लीट हुआ, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक में बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस देखी, सेकंड टॉपिक में बायो एलिमेंट्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखी, और उसके बाद थर्ड टॉपिक में बायोलॉजिकल मेथड्स देखा टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और फोर्थ टॉपिक आपका बायोलॉजी इन सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड था, जिसके फिर हमने थ्री सब टॉपिक्स बनाए। तो आज चूँकि हमारा फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीट है, टेस्टिंग का मैकेनिज्म क्या होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो आज तक जितना भी जो आपने पढ़ा है उसको ज़रूरत है फुल रिवाइज करने की। कोई भी ऐसा इशू, कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो तो आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो। तो इसके साथ ही आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट है, टॉपिक भी कंप्लीट है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कल पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।